हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। कॉलेज छात्रों के लिए ज़रूरी सूचना है, UGC ने सफाई दी है और इम्पोर्टेंट अपडेट है। यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देसी था यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ आपके लिए छोटी से छोटी अपडेट, बड़ी से बड़ी अपडेट सही समय पर लेके आ जाती है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और क्योंकि आपका लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी, UGC की न्यू गाइडलाइन, अंतिम वर्ष को छोड़ विश्वविद्यालय के छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। ये न्यूज़पेपर ने दिखाया था दोस्तों कि UGC ने विश्वविद्यालय को फैसला लेने के लिए छोड़ दिया है कि आप अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं आपको कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर UGC ने अभी नोटिस भेजा है, जिसमें ये ऑफिशियल नोटिस दोस्तों 11/5 का, इसमें बोला गया कि जो मीडिया में न्यूज़ वायरल हो रखी है वो फेक है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि जो मीडिया में न्यूज़ वायरल हुई है वो फेक है, अभी तक UGC ने कोई ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं दी है। दोस्तों ये बात भी सही है कि ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं दी है, और इस इमेज में जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है ये भी दोस्तों ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ये भी सिर्फ एक संभावित चीज़ें बताई गई न्यूज़पेपर ने भी, और यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी कि वो न्यूज़ इनकरेक्ट है। और हमने सिर्फ ये बोला गया था, UGC ने ये माना कि हमने सिर्फ ये बोला कि मई के महीने में एग्ज़ाम मत कराइए सभी कॉलेज को, सभी यूनिवर्सिटी को। UGC ने ये बोला है कि मई के महीने में एग्ज़ाम ना कराइए, आगे स्थिति को देखते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। तो दोस्तों फ़िलहाल आप जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ यहीं तक सीमित रखें कि UGC ने सिर्फ इतना बोला है कि मई में एग्ज़ाम ना कंडक्ट कराए कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसके आगे की जो भी अपडेट होगी आपको सही समय पर पहुंचा दी जाएगी, जैसे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।